फॉरेंसिक्स टीम के स्टिंग ऑपरेशन में रिवील हो गया है बहुत बड़ा सच। जी हाँ, फॉरेंसिक्स टीम के एक मेंबर ने बहुत ही बड़ी बात बताई है मुंबई पुलिस को लेकर, जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। चलिए आपको बताते हैं ये बात। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि फॉरेंसिक्स टीम पर एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया एक न्यूज चैनल के जरिए। ऐसे में उस स्टिंग ऑपरेशन में तमाम बातें निकलकर सामने आई। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि स्टिंग ऑपरेशन जब किया गया तो सामने से जो व्यक्ति बैठे थे उन्होंने सुशांत की डायरी के कुछ पन्ने दिखाए और कहा कि ये डायरी जब हमारे हम तक जब तक पहुंची तब तक इस डायरी में कुछ लोगों के नाम थे, लेकिन जहां से उन लोगों के बारे में बातें शुरू हो रही थी वो पेजेस फाड़ दिए गए हैं। उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ सबसे अहम बात। जी हाँ, फॉरेंसिक्स टीम ने इस बात का खुलासा किया स्टिंग ऑपरेशन में कि मुंबई पुलिस डिड नॉट इवन बॉदर। मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत के नेल सैंपल्स लेना जरूरी नहीं समझा। दिस इज टैम्परिंग ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ कि इस तरह के जो भी केसेस होते हैं ऐसे में नेल सैंपल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, फिंगर चिपिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि अगर कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती हुई है आखिर के वक्त में तो सामने वाले इंसान जिसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है उसके उसको नोचे जाने की वजह से या हाथापाई जो भी चीज़ें हुई हैं, स्ट्रगल पीरियड जो होता है उसमें सामने वाले के इंसान के बॉडी के कुछ भी अंश या ज़रा सा भी पार्टिकल आपके नाखूनों पर लग जाता है। लेकिन मुंबई पुलिस ने बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझा सुशांत सिंह राजपूत के नेल सैंपल्स लेने का, जो कि सबसे बड़ा टैम्परिंग ऑफ एविडेंस है। एंड इसकी वजह से तो डेफिनेटली मुंबई पुलिस को क्वेश्चन किया जाना चाहिए। मुंबई पुलिस शुड बी आंसरेबल अबाउट दिस। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं सारी एविडेंसेस टैम्पर कर दिए हैं। साथ ही साथ सोचकर भी इस वक्त हैरानी हो रही है कि सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी जब मिली थी उसके बाद महज कुछ ही घंटों में सारी चीज़ें फटाफट संदीप सिंह ने करवा दी, फटाफट पोस्टमार्टम हो गया, फटाफट से उसके बाद की सारी रिचुअल्स हो गई, लास्ट राइट्स हो गए परफॉर्म, सारी चीज़ें फटाफट हो गई और कोई इन चीज़ों को रोक नहीं पाया। सो कहीं ना कहीं सारे सबूत मिटाने की ये जितनी भी कोशिशें हैं ये सब चुटकियों में की जा चुकी हैं। एज अ व्यूअर क्या कुछ आप इन चीज़ों के बारे में कहना चाहेंगे आप हमें ज़रूर बताइए। लेकिन मुंबई पुलिस डेफिनेटली नीड्स टू आंसर दिस कि किस रीज़न से सुशांत सिंह राजपूत के नेल क्लिपिंग्स और नेल एग्जाम्पल्स नहीं लिए गए। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। सुशांत सिंह राजपूत के लिए अंकिता लोखंडे ने शेयर की है एक फोटो। जी हाँ, वापस से अंकिता क्या कुछ कहना चाहती हैं और क्या इस फोटो में लिखा है उन्होंने, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। मैं बता दूं आपको कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए आज एक ऑनलाइन रैली निकल रही है। जी हाँ, लोग अपनी तरफ से एक सपोर्ट शो करने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत को। यहाँ पर वॉरियर्स फॉर SSR टैग का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत से रिगार्डिंग अंकिता लोखंडे ने एक फोटो शेयर की है और बहुत ही खूबसूरत फोटो है। अंकिता ने सुशांत की जो मम्मी है, सुशांत की जो माँ है, उनकी फोटो अपने हाथ में ली है और साथ ही साथ कैप्शन लिखा है आई बिलीव बोथ ऑफ यू आर टुगेदर, और साथ ही साथ लिखा है गॉड इज विद अस। सो कहीं ना कहीं अंकिता एंड साथ ही साथ हैशटैग में ये भी लिखा है वॉरियर्स फॉर SSR सुशांत सिंह राजपूत। सो कहीं ना कहीं अंकिता लोखंडे का ये फोटो शेयर करने का एक जो मोटिव है वो हमें समझ में आ रहा है कि वो डेफिनेटली यही कहना चाह रही हैं लोगों से कि हमें अब रुकना नहीं है, CBI इज जस्ट स्टार्ट, जस्टिस एंड तक हमें चेज करना है जस्टिस को। और उसके साथ साथ जो फोटो उन्होंने शेयर की है बहुत ही खूबसूरत तरीके से और कैप्शन भी बड़ा ही खूबसूरत है। मैं बता दूं आपको कि इस फोटो के नीचे श्वेता सिंह कृति यानी कि जो सुशांत सिंह राजपूत की बहन है उन्होंने भी कमेंट करके लिखा है कि येस दे बोथ आर टुगेदर, यानी कि सुशांत एंड उनकी मम्मा अब फाइनली ऊपर हैं और साथ में हैं एक दूसरे के एंड वो हमें देख रहे हैं और हमें जस्टिस के लिए ज़रूर लड़ना है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे अंकिता लोखंडे की इस फोटो के बारे में आप मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में। अरे प्लीज त्यांना जाऊ साइडला साइडला त्यांना खाली
खाली तरी उतरू द्या त्यांना साईडला तरी उभं त्यांना खाली तरी उतरू द्या मुंबई क्राइम ब्रांच करेगी रिक्रिएट सुशांत सिंह राजपूत के घर में पूरे के पूरे क्राइम सीन को। जी हाँ, क्या कुछ डिटेल्स है चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि मुंबई पुलिस ने वहां पर जाकर जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन की है उसके बाद से पूरे देश का भरोसा ही मुंबई पुलिस से उठ गया है और अब बात जा चुकी है सीबीआई तक, यानी कि क्राइम ब्रांच ऑफ इंडिया। क्राइम ब्रांच ऑफ इंडिया अब इस तरह की खबरें आ रही हैं, सोर्सेस के मुताबिक कहा जा रहा है कि शायद क्राइम ब्रांच जो है वो सुशांत सिंह राजपूत के घर में जाकर बैंड्राफ वाले फ्लैट में जाकर, जी हाँ मॉन्ट ब्लैंक में जो उनका फ्लैट है जहां पर ये सारी घटना हुई है, वहां जाकर इस पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये भी एक स्पेशलाइजेशन होती है। काफ़ी फिल्म्स में आपने देखा होगा कि बॉलीवुड फिल्म्स में काफ़ी बार हमने ये देखा है कि क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाता है उस जगह पर रहकर, सोचने के लिए कि क्या कुछ हुआ होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, क्या क्या चीज़ें हुई होंगी, क्योंकि सबूत भले ही सारे सामने हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक इंस्टिंक्ट भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपको इनर इंस्टिंक्ट आपकी क्या कह रही है और वो सीन में उस वक्त क्या क्या चीज़ें हुई होंगी वो बहुत जानना इंपॉर्टेंट होता है, जिस वजह से उस सीन को रिक्रिएट किया जाता है। काफ़ी फिल्म्स में हमने ये देखा है कि जब अगर कोई क्राइम हुआ है उस वक्त किस तरीके से चेयर रखी थी, किस एंगल में रखी थी, अगर इस एंगल में चेयर थी तो क्या इस चेयर से ये यहाँ तक की दूरी पॉसिबल है, ह्यूमनली क्या ये चीज़ें ऐसी पॉसिबल है, ये सारी चीज़ें सोचने के बाद जो रिजल्ट निकल कर आता है उसका कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और यही सारी चीज़ें रिक्रिएट होने वाली हैं थ्रू क्राइम ब्रांच। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के उस फ्लैट में क्राइम ब्रांच की टीम जाएगी, यानी कि सीबीआई की टीम जाएगी और मुंबई पुलिस ने उस मौके पर, यानी कि जब वो इंसिडेंट हुआ था 14 जून को, जो भी तस्वीरें ली गई थी अपने एविडेंसेस के लिए, जो भी वीडियोस लिए गए थे वो सारी वीडियोस और वो सारी तस्वीरें जमा की जाएंगी सीबीआई को, उसके हिसाब से पूरे सीन को रिक्रिएट किया जाएगा थ्रू सीबीआई, जहां पर मुंबई पुलिस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा थैंकफुली। और सीबीआई जब उस सीन को रिक्रिएट करेगी फिर जो भी आउटकम निकल कर आएगा उसके हिसाब से चीज़ें डिसाइड होंगी। सो कहीं ना कहीं सीबीआई फुल ऑन जोरों शोरों से लग गई है इस केस को सॉल्व करने में एंड अब जो है वो हमें पूरी उम्मीदें हैं कि ये केस ज़रूर सॉल्व होगा। आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे आप मुझे बताइए दिए गए कॉमेंट सेक्शन में। सुशांत सिंह राजपूत के केस को सीबीआई को सौंप दिया गया है और सीबीआई को सौंपने के बाद से हर कोई काफी खुश है, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि सीबीआई की कौन सी टीम हैंडल करने वाली है सुशांत सिंह राजपूत का केस। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। हम डेफिनेटली एक अच्छी टीम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं नाम सामने आ रहा है उस टीम का जिन्होंने विजय माल्या के केस को हैंडल किया है या कर रहे थे। जी हाँ, विजय माल्या के केस को हैंडल कर रही थी ये सीबीआई टीम और इन्हें नियुक्त कर दिया गया है सुशांत सिंह राजपूत के केस में। मैं बता दूं आपको कि सुशांत का जो सीबीआई केस है उसमें इल्जाम सिर्फ रिया चक्रवर्ती पर नहीं बल्कि रिया से लेकर रिया के भाई, उनके मम्मी, उनके पापा, इन सभी लोगों पर है। उसके साथ साथ कई और लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं जो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, जैसे कि सैमुअल मिरांडा और बाकी लोग। मैं ये भी बता दूं आपको कि ईडी ने अपनी जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है वो दर्ज करने के बाद से ईडी ने अपनी जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू कर दी है और ईडी ने समन भी किया है रिया चक्रवर्ती को, सैमुअल मिरांडा को। और उसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि श्रुति मोदी जो कि सुशांत सिंह राजपूत की बिजनेस मैनेजर है उनको भी समन किया गया है। तो देखना ये होगा कि सुशांत सिंह राजपूत का ये जो केस है ये सीबीआई तक गया है और वो भी एक अच्छी खासी टीम इसे हैंडल कर रही है, तो क्या कुछ डिटेल्स निकल कर आती हैं। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।